हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? मैंने अभी हेयर वॉश किया है, हल्का हल्का ड्राई हुआ है, तो अभी सीरम में लगाऊंगी। ऑलमोस्ट नहीं ड्राई हुए बट हल्के हल्के ड्राई हो चुके हैं, तो मैं अभी सीरम लगाऊंगी। तब तक मैंने हल्दी वाला दूध, एंड मेरी बेबी का भी इधर दूध पड़ा हुआ है, तो मैं अभी पीऊँगी और पहले अपना पी लूँ, तो उसके बाद पिला लेती हूँ। सर्दी में ना हल्दी और दूध पीना सही रहता है, हेल्थ भी सही रहता है, और हल्दी और दूध सभी को पीना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँ ना पियो, जिसके पास हो वो पियो, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो पियो, मैंने कह दिया तो पियो। और जिसके पास अभी लेवल हो वो जरूर हल्दी डाल के पिए, ताकि वो सर्दी कम लगती है और कफ नहीं जमते है ना। सादा दूध पीने से कफ जमते हैं, और हल्दी डाल दोगे तो कफ नहीं जमते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और मैं मुझे सर्दी भी हुई है, तो मैं यहाँ पे गैस सेक रही हूँ। आप देख सकते हो ये गैस वाली, ये वाली गैस है, और मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा ही लिया है, तो देख सकते हो। मैं इसे पी के फिर मैं सीरम लगाती हूँ, तभी बात करती हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ना, मैं हेयर को टू पार्टीशन में कर लूँ और सीरम लगा लूँ, आप लोग को भी तो ऐसा हेल्पफुल होगा। वैसे तो मैंने दो पार्टीशन कर लिया है, अब मैं लगा लूँ थोड़ी सी सीरम। मैं सीरम के लिए ये लगा रही हूँ, लॉरिया पैरिस का टोटल रिपेयर 5 स्मूदिंग एंड रिपेयरिंग सीरम है। अच्छे सीरम है, ऐसा नहीं है, नहीं है, मैं ऐसे आउटर इनर, तो मैं लगा लूँ। मैं इसका कोई रिव्यू भी नहीं दे रही हूँ कि आप लोग लो, आपकी मर्जी, बट मैं लगा रही हूँ तो बस शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। आप लोग मेरे हेयर के बारे में बहुत पूछते हो ना, तो इसलिए बस शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छी, मतलब स्मूथ ही कर देती है, बहुत अच्छे से स्मूथ करती है आपके हेयर को, देख सकते हो। मैंने कोमिंग नहीं किया क्योंकि ना मैं कोमिंग गीले बालों में नहीं करती, क्योंकि बहुत ज्यादा टूटते हैं, इसलिए थोड़ी ड्राई हो जाती है तभी मैं करती हूँ, तो अच्छी है। अभी मेरा एक कॉल आया है और पार्सल आ रहा है, तो मैं जा रही हूँ, भी पार्सल लेऊंगी, देखते हैं क्या है, शेयर करती हूँ। ओके, तो ये लग गया। मुझे नहीं पता कि इस ब्लॉग में क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, बट जो भी होगा मैं शेयर जरूर करूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो काफी हद तक कर दिया ना स्मूथ। एक सेकेंड, यहां से आप देख सकते हो मेरे हेयर, मतलब ठीक लग रहा है। तो ब्लॉग है ना, तो इसलिए सेपरेट वीडियो में नहीं बना सकती ना, सेपरेट वीडियो बनाओ ना तो व्यूज भी नहीं आते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। और मेरे कॉल आ चुके हैं, कॉल आ चुका है, देखिए। तो मैं जा रही हूँ पार्सल लेके, अभी आती हूँ, ठीक है, मिलती हूँ। यहाँ मेरे पार्सल मिल चुके हैं, तो यहाँ पे नंबर वगैरह दिया है, तो मैं ये नहीं शेयर करूंगी। तो ये दिए रहते हैं एड्रेस वगैरह, बिल वगैरह जो भी रहता है, तो यहाँ पे रहता है। और अच्छे कुछ कार्ड है, वी आर सो लकी टू हैव ए कस्टमर लाइक यूर, कुछ कार्ड दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, थैंक यू सो मच। ये चुन्नी देख लो आप, ये रहा चुन्नी, अच्छी क्वालिटी की कुछ चुन्नी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चुन्नी है, और अच्छी भी है प्रोडक्ट, मतलब चुन्नी तो अभी सही लगी, आप देख सकते हो चुन्नी बहुत अच्छी है, अच्छी भी लग रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो चुन्नी बहुत अच्छी लगी। एंड ये आपका कुर्ता बनेगा, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगा, कॉम्बिनेशन भी रेड ब्लू का बहुत अच्छा लगता है, एंड गोल्डन का है तो। एंड इसके कपड़े की क्वालिटी बात करूंगी, तो क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा मोटा है। कुर्ते बनवाएंगे, आप देख सकते हो मोटा है, सॉफ्ट भी है, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, और अच्छा लगा। और पैंट सलवार के लिए
मैं बोलूंगी ना इसका 2 मीटर तो होंगे। हाँ 2 मीटर है ना। हाँ 2 मीटर है। तो आप पूरी अच्छे से, आप चाहो ना तो अच्छे से आपके इसमें प्लाजो बन सकते हैं, प्लाजो पैंट बन सकते हैं, सलवार बन सकते हैं, तो आप जो चाहो वो बन सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े भी है, देख सकते हो। ओवरऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसका रेट मैं बता दूं कितने का मुझे पड़ा है, तो रेट इसमें नहीं दिया है, 700 कुछ ऐसे पड़ा है मुझे। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। ये ना कपड़े शाइनिंग वाले हैं, तो अच्छा लगा, शेयर भी हुआ। तो चलिए आप लोग रेसिपी देख लो, उसके बाद मैं मिलती हूँ। तब तक मैं इसे फोल्ड कर लूँ, ठीक है। चुन्नी मुझे बहुत पसंद आई, सबसे अच्छा तो मुझे चुन्नी ही लगी, बहुत अच्छी। आप देख सकते हो बनेगी तो आप लोग से जरूर शेयर करेंगे, बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं। आज मैं बना रही मिक्स वेज हेल्दी पराठे बनाए, तो इसके लिए आपको चाहिए मेथी, सोया, मिर्चा, धनिया, लहसुन, और ये मैंने मटर आलू रखे थे, तो सारे हेल्दी है ना, इसलिए मैंने नाम रखा। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैंने नाम रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गोभी को क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती काट के, उसके जो मैंने सोए और मेथी थे उसको भी डाल दिया। ये मैंने चॉपर में मिर्ची और लहसुन भी काट लिया है। तो आपके पास ये चॉपर मुझे तो बहुत सही लगता है, तो आप लोग भी चाहो तो ले सकते हो, 120 रुपीज़ का ऐसे मिलता है। तो सारे वेजेस को मैं यहाँ डाल के, नमक को डाल के ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और जीरा भी डाल दूंगी टेस्ट डालने के लिए। और नमक आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि मैंने मटर में भी नमक पड़ा हुआ था, मटर आलू में, तो हिसाब से आप लोग डालिएगा। इसे ढक के 10 मिनट या आधा घंटे छोड़ दो। मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए छोड़ी थी, तो देख सकते हो सॉफ्ट हो गए हैं, जो नमी थी निकल चुके। अब मैं इसमें आटे डालूंगी, और आटे मैं 3 लोग के लिए डालूँ, अब जितना आपका जो भी है फैमिली के हिसाब से डालना है। उसके बाद ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा ही डालिए, हेल्दी मैंने बोला था तो हेल्दी ही समझ लीजिए ना। तो ऑयल डालने से ये होता है ना कि पराठे आपके सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी देर तक टिके रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं, तो पराठे बनाने के बाद ना टाइट टाइट होने लगते हैं, ये चीज़ नहीं इसमें होना। और आपको पानी मिलाने हिसाब भर, वो भी मतलब कि आप इसे पहले मैश कर लो, मिक्स कर लो जो भी है, उसके बाद आप देखिएगा पानी जितना कम लगे तभी डालिए, वरना नहीं लगे तो मत डालिएगा। तो मैंने यहाँ बना लिया है, और इसे मैंने बना के भी दिखा दे रही हूँ, ताकि ये ना लगे कि आप लोग को, तो इसमें हल्के हल्के ऑयल लगा के सेक लूँगी। और ये रहा मेरा वेज हेल्दी पराठे रेडी। तो मैंने इसे सर्व किया है दही के साथ। मुझे पर्सनली दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये सब पराठे। आपको कौन से अच्छे लगते हैं आप प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। तो ये देख सकते हो मैंने दही के साथ सर्व किया है, तो बताइएगा, ठीक है। ये देखो आप लोग, नेहा मैं आपका कोई मैसेज नहीं डिलीट की हूँ, ठीक है। आप ये मत बोलो ना कि मैंने आपका मैसेज डिलीट किया। आप बोल रहे कमेंट डिलीट कर, डिलीट क्यों की। मैं एक भी मैसेज डिलीट कुछ नहीं करती, ठीक है। मैं किसी का क्यों डिलीट करूंगी, एकदम बकवास अंजलि, अंजलि झूठी। तो मैं किसी का कमेंट वमेंट नहीं डिलीट करती, आपका स्पैन हो जाते। मैं एक सेकंड आप दिखाओ, यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे देख सकते हो अभी, यहाँ पे आपको मतलब कवर मेरे ना, बट यहाँ पे ना 96-97 कमेंट स्पैन में चले गए हैं। अब मैं बताती हूँ कि किसका किसका है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे हैं ना, आंसू तो आ नहीं रहे हैं, झूठी रो रही है, मुंह उठा के माँ मुंह पोछ रही है। मैं ना मुंह क्यों आंसू पोछ रही है, ठीक है। तो नेहा मैं आपका कोई कमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। मैं आपका कोई कमेंट डिलीट उलीट कुछ नहीं किया, यहाँ पे स्पैम पड़े हुए हैं। तो जो लोग ना वीडियो स्टार्ट करते कमेंट धर धर करता है ना, थोड़ी सी रुक जाइए फिर कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ना मैडम डोंट वेरी, इनका भी मैसेज डिलीट हो गया, वो स्पैम हो गया है। तो क्या मैंने इनका भी कर दिया? नहीं किया। आप लोग वीडियो थोड़ा देखो तब कमेंट करो, तो पूरे पूरे मेरे पास आएंगे, ठीक है। सही है गलत नहीं है, देखना चाहिए। आई गॉट दिस, गलत बात नहीं है दी, ओके। डोंट
प्लीज सब्सक्राइब एंड आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, थैंक यू। संगीता सिंह, इनका भी मैसेज मुझे डिलीट हो गया है। मेथी के साग हमें बहुत पसंद नहीं है मैम, हमें तो कोई साग नहीं पसंद है, बट आपकी वीडियो अच्छी है और टेक केयर मैम, थैंक यू संगीता सिंह। तो बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया, अमित भी किया, वाओ अमित आप तो बहुत अच्छे हो, थैंक यू। ब्यूटी राय राय, नाइस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ब्यूटी राय। तो कुछ लोग हैं इसमें ना, वो भी है क्या था, चैनल भी है, तो आप लोग एक दूसरे को ना सपोर्ट भी किया करो, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी नहीं, बट आसिफ भाई तो थैंक यू सो मच दिल से, जो आप मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच। तो अभी बहुत लोग ऐसे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपका कमेंट यहाँ पे, आप देख सकते हो इतने लोगों का कमेंट स्पेन में गए हैं, ये सारे कमेंट स्पेन में पड़े हुए हैं, तो मैं किसी का भी ना कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। कुछ लोग मुझे सिखाने, मैं किसी को ना कुछ भी नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों सिखाऊंगी आपको सीखना, एक मैं सजेशन देती हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सीखो, आपकी मर्जी, सीखना हो सीखो, नहीं सीखना है मत सीखो, आपकी मर्जी है ना। तो ब्लॉग तो बहुत बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। एंड हाँ, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे, हम लोग को पता है ना आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक तो कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बेल को ऑन कर लिया कीजिए ताकि मेरे वीडियो न्यू आए, अपडेटेड रहे, ठीक है, सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।